गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ। टुडेज टॉपिक इज कंपेयरिंग। कंपेयरिंग मींस होता है तुलना करना, यानी हमें यहां पर तुलना करनी है। जैसे यहां पर हमें सबसे पहले दिया गया है बिग एंड स्मॉल, यानी छोटा और बड़ा। तो छोटे और बड़े में हम तुलना करेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया है टिक द बिगर बॉल, यहां पर दिया गया है टिक द बिगर बॉल। तो हमें देखना है कि कौन सी बॉल बड़ी है, बिगर मींस बड़ा, ठीक है। तो कौन सी बॉल बड़ी है और उसको हम टिक कर देंगे। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं जो फर्स्ट वाली बॉल है वो बड़ी है, तो हमें इस पर जो है टिक कर देना है, ओके। उसके बाद हम देखेंगे कि यहां पर इसको ले लेते हैं टिक द बिगर फ्रूट। तो यहां पर हमें कुछ फ्रूट्स दिए गए हैं, तो उसमें सबसे जो बड़ा फ्रूट है, सबसे आकार में बड़ा फ्रूट है, उसको हम टिक कर देंगे। तो हम यहाँ तीनों फ्रूट्स को अगर देखें तो इन तीनों फ्रूट्स में जो वाटरमेलन है वो सबसे बड़ा फ्रूट है, तो हम जो इसको जो है टिक कर देंगे। इसके बाद आते हैं क्रॉस द स्मॉलर जग, यानी जो स्मॉलर जग है उसमें हम देखेंगे कि कौन सा जग छोटा है। क्रॉस मीन्स क्रॉस करना है, तो स्मॉलर जग यानी छोटे जग को, स्मॉलर मीन्स छोटा। तो यहाँ पर जो छोटा जग है आप देख सकते हैं कि दोनों का आकार यहाँ पर बना हुआ है, तो उसमें जो छोटा जग है वो ये वाला है, तो हम जो है इसको टिक कर देंगे। टिक नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस करना है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक। उसके बाद हम आते हैं क्रॉस द स्मॉलर वेजिटेबल। तो यहाँ पर भी हमें कुछ वेजिटेबल दी गई है, तो हमें इसमें जो स्मॉलर वेजिटेबल है यानी छोटी वेजिटेबल है उसको हमें टिक करना है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें स्मॉलर वेजिटेबल कौन सी है। तो यहाँ पर जो लेडी फिंगर है वो सबसे स्मॉलर वेजिटेबल है, तो ये स्मॉलर वेजिटेबल को हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो सही बच्चे ये जानकारी समझ पाए हैं और इस जो है आप अपने ग्रुप में करेंगे। अब बच्चों हैवी एंड लाइट, हैवी और लाइट में देखेंगे। हैवी मींस होता है भारी और लाइट मींस हल्का। जैसे सबसे पहले हमें दिया गया है टिक द हैवर हैवियर व्हीकल, यानी हमें जो भारी व्हीकल है, जो भारी वाहन है उसको टिक करना है, जैसे कार और बस। तो आप जानते हैं कि कार और बस में कौन हैवियर होता है, कौन भारी होता है, तो बस ज्यादा भारी होती है, तो हमें जो है बस को टिक कर देना है। उसके बाद अगला आता है टिक द हैवीस्ट एनिमल, यानी जो भारी एनिमल है, भारी जानवर, उसको हमें टिक करना है, जैसे लोयन एलिफेंट कैट। तो आप देख सकते हैं कि लोयन एलिफेंट और कैट में कौन भारी होता है, यानी एलिफेंट भारी होता है, तो हमें एलिफेंट को टिक कर देना है। उसके बाद आता है क्रॉस द लाइटर बैग, यानी हमें लाइटर बैग मींस हल्का बैग, तो हमें हल्के बैग को जो है टिक कर देना है। जैसे यहाँ पर दो बैग दिए गए हैं, जैसे स्कूल बैग दिया है और एक हैंड बैग। तो स्कूल बैग आपने देखा है कि स्कूल बैग में बुक्स वगैरह होती है, तो स्कूल बैग में जो है क्रॉस, हाँ क्रॉस करना है, तो स्कूल बैग में हमें क्या करना है, क्रॉस करना है या हैंड बैग भी क्रॉस करना है, इन दोनों में देखेंगे, ठीक। तो स्कूल बैग और हैंड बैग, तो स्कूल बैग में जो भारी होता है इससे हैंड बैग से, ठीक। तो हम जो है हैंड बैग को क्रॉस कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, ये हल्का बैग है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं क्रॉस द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी यहां पर हमें देखना है कौन सी चीज हल्की है, तो हमें उसको क्रॉस कर देना है। जैसे यहां पर हमने किया सोफा टेबल चेयर, तो हम देखेंगे क्या सोफा हल्का है, ये टेबल हल्की है, ये चेयर हल्की है, तो सोफा टेबल और चेयर, तो सोफा भारी होता है, टेबल भी भारी होती है, तो चेयर हमारी क्या होगी, हल्की होगी, तो हम जो है चेयर को जो है क्रॉस कर देंगे। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, अब आता है जो थिक एंड थिन, यानी चौड़ा और पतला, यानी जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टिक दा थिकर कैंडल, यानी जो चौड़ी कैंडल है हमें उसको टिक करना है। तो यहाँ पर हमें दो कैंडल दी गई हैं, बिग कैंडल और स्मॉल कैंडल, तो
तो हम देख सकते हैं कि जो बिग कैंडल जो वाली वाली बिग कैंडल है तो बिग कैंडल हमारी कैसी है, वो जो है पतली है और जो हमारी स्मॉल कैंडल है वो चौड़ी है। तो हमें स्मॉल कैंडल को टिक कर देना है, तो यहां पर हमने स्मॉल कैंडल को टिक कर दिया है। उसके बाद हम आते हैं लास्ट वाले में, यानी क्रॉस द थिनर पेंसिल। अब जो हमारी मोटी पेंसिल है उसको हमें टिक कर देना है। तो यहां पर मैंने दोनों पेंसिल बना दी है, यानी दोनों पेंसिल की जो हाइट है वो सेम है, तो इसलिए मैंने दोनों पेंसिल बनाई है। तो यहां पर हम देखेंगे जो थिनर पेंसिल है वो कौन सी है, वो फर्स्ट वाली है, क्योंकि ये हमारे देखने में कैसी लग रही है, मोटी लग रही है, तो ये थिनर पेंसिल है। मैंने सारे चित्र नहीं बनाए हैं क्योंकि आप इतने समझदार हैं कि समझ सकते हैं, तो इसलिए सब देख के अपना समझ के करेंगे। ठीक है, ओके।